नमस्कार, एस्ट्रो टुडे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेष राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में जून का महीना कैसा रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आप कुछ आसान से उपाय करके इसे और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेष राशि में जन्मे लोगों के लिए इस महीने गुरु फर्स्ट हाउस में ही रहेंगे और फर्स्ट हाउस में गुरु का गोचर अच्छे फल देने वाला रहेगा। देव गुरु बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपके द्वारा दी गई सलाह इस समय बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस टाइम पीरियड में आपको सबका सपोर्ट मिलेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब या बिजनेस करते हैं, आपके लिए यह समय अनुकूल फल दिलाने वाला रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने नेचर में, आप अपने स्वभाव में एक सहजता महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। सीनियर्स और कोलीग्स के सहयोग से लाभ होगा और आपकी प्रशंसा भी होगी। मंगल की 10th हाउस पर सप्तम दृष्टि आपको वर्क प्लेस पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस टाइम पीरियड में आप अपने अंदर काम के प्रति एनर्जी और जोश महसूस करेंगे, लेकिन नीचे मंगल के प्रभाव के चलते कार्यों में रुकावट, परेशानियां और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में अपने काम से जुड़े सभी निर्णय सोच विचार कर करें और गुस्सा करने से बचें। शनि 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं और शनि आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में स्थित हैं। 11th हाउस में स्थित शनि वक्री होकर भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। 17 जून के बाद अचानक कोई रुकावट का कार्य पूरा होने या अचानक कहीं से धन लाभ की भी संभावना बन सकती है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो 7th हाउस पर गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन राहु के साथ गुरु की युति भ्रम की स्थितियां बना सकती है। इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको अपनी मैरिड लाइफ में खुशहाली लाने के लिए कोशिश करते रहनी पड़ेगी और परिवार के प्रति अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का प्रयास करना होगा। राहु और मंगल के प्रभाव के चलते क्रोध और भ्रम रिश्तों को खराब करने का काम करेगा, लेकिन आपको इनसे दूर रहने का प्रयास करना होगा। एजुकेशन की बात करें तो 5th हाउस से शिक्षा का विचार किया जाता है और 5th हाउस के राशि स्वामी सूर्य 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपको स्कॉलरशिप या अन्य लाभ दिलाने वाला रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके 5th हाउस को मजबूती देने का काम करेगी। जहां गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करने का काम करेंगे, वहीं राहु आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। इससे आपको बचना है और किसी भी प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में पड़ने से खुद को बचाना है। इस टाइम पीरियड में यदि आपको स्टडी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। शिक्षा से रिलेटेड की गई यात्राएं भी आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। इसके अलावा हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको हेल्थ के प्रति विशेष सावधान रहना है। इस महीने मेंटल स्ट्रेस के चलते आपको परेशानी हो सकती है। जिन भी लोगों को बीपी, शुगर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से चल रही है, उन्हें अपनी हेल्थ के प्रति ज्यादा सतर्क रहना है। इस महीने हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खास ध्यान रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। जून महीने के उपायों की बात करें तो मेष राशि में जन्मे लोगों को हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करने हैं और तिलक जरूर लगाना है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पूजा में तुलसी जरूर अर्पित करें। रात के समय काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। इस पूरा महीना पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें और अपने राशि स्वामी मंगल के मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगर मंत्र कर नहीं सकते तो सुने जरूर।
आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।